नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। फ्रीजर में लाश, इलाके में हड़कंप, पुलिस उठा लाई लाश। रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जीवला गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही रहने वाले भरत मिश्रा के घर पुलिस गई। भरत मिश्रा की पत्नी सुमित्री मिश्रा की 30 मई को मौत हो गई थी। उन्होंने उसके शव को बेटे के इंतजार में फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था। पुलिस ने शव को उठाया और पहुंचा दिया रीवा के संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। गांव वालों ने फ्रीजर के अंदर शव निकलते देखा, इलाके में मच गया हड़कंप। दरअसल 30 जून को सुमित्री मिश्रा पत्नी भरत मिश्रा की मौत हो गई थी। उन्होंने रीवा के लायंस क्लब से फ्रीजर लिया और अपनी पत्नी की लाश उसमें रखी। भरत मिश्रा ने इस बात की जानकारी अपने ससुराल में नहीं दी। ससुराल पक्ष से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इस बात की जानकारी जैसे ही मृतक के भाई अभय राज तिवारी को हुई, उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जीवला गांव पहुंची, भरत मिश्रा के घर से उनकी पत्नी को लाश को लेकर पहुंच गई रीवा के संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ही तय हो पाएगा आखिर पूरा मामला क्या। फ्रीजर में लाश, इलाके में हड़कंप मच गया। फ्रीजर में लाश होने से और वो भी 2 दिन रखने से इलाके में हड़कंप मच गया। इंतजार था बेटे का। पूरे मामले को लेकर हमने भरत मिश्रा, मृतक के पति, मृतक की भाई और पुलिस से बात की। तीनों लोगों से बात क्या हुई, आइए आपको सुनाते हैं। अरे, हमारे बहन का मौत हो गई। कैसे? अब ये नहीं पता कि कैसे, लेकिन घर में तो अकेला रहता था उसका आदमी और वही। अब उसकी मौत हो गई, अब उसको तो हमने चश्मे देखा नहीं कि कैसे हुई, लेकिन शंका हमें 90% ये है कि उसकी गला दबाकर मृत्यु कर दी गई। बॉडी कहाँ रखी हुई थी? बॉडी फ्रीजर में रखा हुआ था वहीं पर गांव में। कैसे जानकारी हुई आप? हमको उसी के मृतक के जेठ की लड़की हमारे भतीजी को फोन लगाई कि चाची की मृत्यु हो गई। तब हमारे घर में सभी को पता हुई। हमको तो 3 बजे शाम को पता हुई, मैं खेत में था। जब आए तो बताए कि बुआ ख़त्म हो गई। कैसे क्या किया? फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाए, 100 नंबर को लेके हम स्वतः गए जीवली, जबकि उसकी बॉडी फ्रीजर में थी। हमने देखा नहीं उसकी बॉडी, केवल चेहरा भर कांच के ऊपर से देख लिए, बाकी और कुछ नहीं देखे। ये देखे कि ऐसे घुटती टेढ़ी टूटी पड़ी है बस। क्या नाम है आपका? अभय राज तिवारी। ये मृतका जीवला गांव की है। मृतका का नाम सुमित्रा मिश्रा था और उसके पति का नाम भरत मिश्रा है। ये 30 तारीख को करीबन रात को 3 बजे के आसपास ख़त्म हुई, जिसके बाद भरत ने अपने पुत्र को जानकारी दी कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद पुत्र को पता चला कि माँ ख़त्म हो गई, तो पुत्र ने बोला था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक दाह संस्कार न किया जाए। तो लायंस क्लब से उन्होंने फ्रीजर मंगवा के बॉडी को रखा था। आज जो है थाने में सुबह रिपोर्ट आई, ऐसी रिपोर्ट आई कि परिजनों ने संदेह जताया कि ये पहले से प्रताड़ित करता था, उसको मार दिया होगा, जिसके संबंध में मर कायम करके PM हेतु SG में रवाना किया गया है। जैसा भी नतीजा आएगा कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसी के संबंध में PM कराया जा रहा है, जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगी, जैसे भी आएगी, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसकी इसीलिए तो मृतका के पति कहना था पीलिया के कारण वो बीमारी से ख़त्म हो गई है। परिजनों का ये आरोप है कि उन्होंने मार के उसको जो है मार दिया, जान से मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, जिसका PM रिपोर्ट के आने नतीजे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? भरत मिश्रा। आपकी पत्नी की मौत हो गई है, शाम को? हाँ, पीलिया की शिकायत थी। कैसे मौत हुई? पीलिया की शिकायत थी। उनके भाई का आरोप है कि मार करके और खुद ने, हाँ, वो सभी आरोप लगा रहे हैं कि हमने उसके हत्या कर दी है। वही लेके आए हैं, PM हो रहा है, PM में साफ हो जाएगा कि हमारा कितना दोष है। सब कुछ PM में आ ही जाएगा। तरह के नशे में आपने मारपीट की, बिल्कुल अक्सर मारपीट करते।
अपने आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप लगा ही रहे हैं, और हमारा परिवार बिखरा हुआ है। ये सब मिलके मुझे कई बार फंसाने की कोशिश की गई है, अब उन्हें उनको मौका मिला है, इस बहाने हम तो ये मानेंगे। मेरी पत्नी के देहांत होने के 1 तारीख को नहीं 30 तारीख को हुई है, 1 तारीख मतलब रात में 2:30 बजे हमको जानकारी हुई। हाँ, जिनके पास नंबर था उनको सब सूचना दी। लड़का मेरा बाहर रहता था, उसको ही सूचना दिए, फिर उनके मामा को बोले कि सूचना दे दो। और ये भी मेरा बालक कुछ इनको ही पुलिस तलाश कर रही थी, पता नहीं क्यों तब ये भाग गए बॉम्बे। हमारे घर में कभी ये रहते नहीं थे, कभी नहीं, उनके साथ संगत अच्छे नहीं हैं, जी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। इनको हमारे परिवार के कुछ लोग हैं जो गलत रास्ता पकड़ा दिए हैं। मेरे ससुराल वाले तो आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ना जी, ससुराल वाले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे हमारे संबंध नहीं अच्छे शुरू से। फ्रिज में लाश रखने का क्या मामला है? भैया जब सूचना देन लगाए फोन लड़के को का नंबर भी नहीं था, तो एक दिन पुलिस आई थी यूनिवर्सिटी थाने से इनको मेरे लड़के को तलाश में, तो इसको जानकारी हुई, इसने फ़ोन लगाया तो नंबर मेरे पास पड़ा था डायल में, मैं फ़ोन लगाया कहाँ हो, हमारी मम्मी का देहांत हो गया। उसे बोला कि पहले तो बोला कि मैं MP से बाहर हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँ, फिर ये बोला कि मैं बम्बई में, पहले सीधी बोला फिर बोला कि बम्बई में, फिर बोला कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तो बॉडी को कुछ नहीं करिएगा। वो उसके लिए फिर लायंस क्लब से बॉक्स मंगाया गया, एक बॉडी ख़राब हो जाती इस वजह से। आप ही लोग बताइए कि अगर उसको बॉडी को 24 घंटे अगर उसे खुले में रखते तो क्या बॉडी से बचती स्मेल? परिजनों का आरोप है कि जब मैं पहुंचा तो फ्रिज में लाश रखे थे। भाई परिजन भाई पहुंचे जब 10 बजे, तब 10 बजे रिजवा से मंगाए, वो 2 दिन तक फ्रिज में रखे थे बता रहे थे भाई, कल से लेके आज तक। पत्नी को सीरियस थी, इसका इलाज आपने नहीं कराया था? तो झाड़ फूँक कराए हो रही थी उसकी, जो गाँव में झाड़ते हैं पीलिया, फिर 2 दिन पहले जानकारी हुई, उसने कहा कि हमको झाड़ फूँक करा दीजिए, वही गांव के जो झाड़ने वाले होते हैं भरत मिश्रा, सुमित्रा मिश्रा।